खबर सामने आ रही है जुलाना तो जिथे कि हरियाणा दे विच इस समय सहुं चुक समागम होना है। सीएम नायब सैनी जिहड़े ने सहुं चुकणगे, इसे विचाले वट्सएप ग्रुप दे विच धमकी दित्ती गई है। कहा है कि जो भी सीएम अहुदे दी सहुं चुकेगा उसनूं जिहड़ा है वह मार दिता जाएगा। तो धमकी दित्ती गई है, जिस तरीके दे नाल इह धमकी दित्ती गई है जानों मारन दी, अपने आप दे विच कई तरीके दे सवाल खड़े कर रही है। जुलाना हल्के तो हालांकि रैसलर विनेश फोगाट दे वल्लों दी जित हासिल कीती गई सी। इत्थे जिक्र कीता है जो भी बीजेपी मुख्यमंत्री बनेगा उसनों जानों मार देंगे। तो वट्सएप ग्रुप सिगा और जिसकी जांच जी की गई, तो इस तो बाद फिलहाल FIR भी दर्ज की गई है। जिस तरीके वट्सएप के जरिए यह धमकी दी गई जुलाना हल्के तो विनेश फोगाट के वालों जित हालांकि हासिल की गई सी। और दूसरे पासे पर सरकार जी है वह बीजेपी ने अपनी हुण बनाउणी है, क्योंकि बहुमत जी है वह पूरी बीजेपी को मिली है और फिलहाल मामला भी दर्ज किया गया। इस तो बाद जिक्र किया जा रहा कि 17 तरीक न सीएम दे वल्लों दी सीएम अहुदे दी सहुं चुकी जानी और इसे सब दे दरमियान यह धमकी दित्ती गई है एक वट्सएप ग्रुप के जरिए, जिस दे विच यह जिक्र किया जा रहा है कि जिहड़ा भी बीजेपी का आगू सीएम अहुदे दी सहुं चुकेगा उसनूं असी जानों मार देंगे। तो यह अपने आप दे विच कई तरीके दे सवाल खड़े कर रहा है कि किसी दे वल्लों दी कोई शरारत की जा रही है, कि माहौल नूं भड़काउण दी कोशिश की जा रही है या जाण बुझ के माहौल खराब करन दी कोशिश की जा रही है। तो इस सब नूं लैके हालांकि सवाल जरूर बने हुए ने, पर जुलाना हल्के दे नाल यह ग्रुप बनिया होया है। तो दस दिए कि जुलाना हल्के का ना दे नाल यह जिक्र किया जा रहा है कि ग्रुप बनिया होया है। तो ग्रुप का नाम सेगा जिसका पूरा नाम जिहड़ा कुछ होर है, हालांकि उस विच जुलाना लिखा होया है। जुलाना हरियाणा दे विच हल्का है जिथों की विनेश फोगाट जिते ने, और यह कहा जा रहा है जो भी बीजेपी का आगू मुख्यमंत्री बनेगा मुख्यमंत्री अहुदे की सहुं चुकेगा उसनों असी मार देवांगे। तो सवाल इत्थे यही ने, क्योंकि अजिहे समय दे विच बहुत सारे शरारती अंसर जिहड़े ने उह एक्टिव नजर आउंदे ने, खास तौर दे उत्ते चोणां दे विच, और बहुत सारिया धमकियां जिहड़ियां ने उह दित्तियां जांदियां ने। तो की इह वाकई धमकी जिहड़ी है एक तरीके दे नाल दित्ती जा रही है, कोई साजिश रची जा रही है, कोई प्लैनिंग चल रही है जिसनों इस तरीके दे नाल पहलां डर दा माहौल बनाया जा रहा है, या फिर किसी शरारती अंसर दे वल्लों दी इस तरीके ग्रुप दे विच यह जिहड़ियां चीज़ां ने फैलाईयां जा रही ने। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, पर जिस तरीके हले सीएम अहुदे की सहुं चुकनी है, हले सरकार बनाउणी है हरियाणा दे विच, और हरियाणा दे विच जिस तरीके दे नतीजे आए ने बीजेपी नूं पूर्ण बहुमत मिलदी हुई नजर आई, और इस दरमियान इस तरीके की धमकी दित्ती जा रही है। तो हालांकि जिस तरीके यह हंगामा होया और उस तो बाद जिन्हां ने वट्सएप ग्रुप बनाया सीगा उन्हां दे वल्लों वट्सएप ग्रुप भी डिलीट कर दिता गया। साडे सहयोगी विजेंद्र इस वेले जुलाना तो बने हुए ने। विजेंद्र, की कुछ पूरी जानकारी है थोड़े कोल इस धमकी नूं लैके? मैं आपको बताना चाहूंगा, जुलाना थाना में एक रामकली की व्यक्ति द्वारा जो है कंप्लेंट दी गई है कि सीएम को धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई, और थाना प्रभारी तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। जी ये मामला बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो यहाँ से एक सोमवीर राठी, जो व्यक्ति विनेश फोगाट के पति हैं, उनके नाम से एक ग्रुप यहाँ पर बनाया गया था। उस ग्रुप के अंदर यहाँ देवरण गांव के एक व्यक्ति द्वारा जो है सीएम के लिए जो है बस्तर टिप्पणियों का उपयोग किया गया था, उसमें किया गया था अगर बीजेपी का कोई भी सीएम अगर बनता है तो मैं उसे गोली मार दूंगा, उसमें गोरछा का भी, नथुराम गोरछा का भी जिक्र किया गया था। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें तुरंत प्रभाव से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को जो है हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल विजेंद्र, अभी तक जिस शख्स को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, कुछ उससे अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि वो कौन था, किसके साथ जुड़ा हुआ था? क्योंकि आपने ग्रुप का तो जिक्र किया, बहुत सारे ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर बने होते हैं, कोई ओरिजिनल होते हैं, कोई फेक भी बनाए गए होते हैं। तो जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बारे में कोई जानकारी कि कौन था, कहाँ का रहने वाला था? व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, जुलाना के एक साथ लगते देवड़ नाम का एक गांव है, उस गांव का ये व्यक्ति है। और इस बारे में अगर ग्रुप की बात करें तो सोमवीर राठी का ग्रुप है, जो कि विनेश फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है उसके पति द्वारा जो है इलेक्शन के दौरान ये ग्रुप बनाया गया था, और इसमें काफी अपडेट लोग चुनाव को लेकर डालते रहते थे। उसी के अंदर जो है 8 तारीख को जब ये काउंटिंग रही थी तो इस व्यक्ति द्वारा जो है उसमें ये टिप्पणी लिखकर डाली गई थी। जी विजेंद्र, एग्जैक्ट इसमें क्या लिखा गया है, इस धमकी भरी जो ये मैसेज किया गया इसमें लिखा क्या हुआ था? जी जींद के SP द्वारा बताया गया है कि उस ग्रुप में लिखा हुआ है कि बीजेपी का जो भी सीएम बनेगा
मैं उसे गोली मार दूंगा, नंथू राम गोडसे की तरह मैं उसको गोली मार दूंगा, इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी। हालांकि इसमें सीएम का नाम नहीं था, लेकिन जो भी सीएम बनेगा मैं उसको गोली मार दूंगा, इस तरह की टिप्पणी बताई जा रही है जिन एसपी द्वारा थी। बिल्कुल, उसके बाद भी क्या किसी की तरफ से कोई इस ग्रुप में इस मैसेज का या इस धमकी भरे मैसेज का कोई रिप्लाई किया गया था, कोई जवाब दिया गया था, और शिकायत किसकी तरफ से की गई थी? जी, जुलाना हल्के के रामकली गांव के एक व्यक्ति द्वारा जो है इसमें जो ये जुलाना थाना प्रभारी को जो इसकी शिकायत दी गई थी, और हमने उस व्यक्ति से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी फोन नंबर बंद आ रहा है। लेकिन थाना प्रभारी ने जब इसके मामले के बारे में हमने बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि जिन एसपी इस पे संज्ञान लिए हुए हैं और वो भी इस प्रेस के सामने अपनी बात कहेंगे, और उन्होंने आज जो है इस बात का खुलासा किया है कि व्यक्ति को जो है हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल विजेंद्र, आगे की कार्रवाई की जा रही है, कौन सी धाराएं जो है लगाई गई है इस व्यक्ति के ऊपर? ये धाराओं का तो अभी तक बात जिक्र एसपी साहब द्वारा नहीं किया गया, लेकिन एसपी साहब ने किया है कि विभिन्न धाराओं के तहत इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है कि व्यक्ति की असली नियत क्या थी, वो क्या चाहता था और किस बात को लेकर उन्होंने ग्रुप में इस तरह की टिप्पणियां लिखी है। जी बिल्कुल विजेंद्र, स्टार्टिंग में इसको पुलिस किस तरीके से देख रही है कि क्या ये कोई शरारत भी किसी की हो सकती है या फिर वाकई कोई प्लानिंग बड़ी की कोई की जा रही है किसकी तरफ से, उसको लेकर ये पहले कोई इशारा या पहले कोई धमकी दी जा रही हो उसको लेकर पुलिस पहली नजर में इसको कैसे देख रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस के पास जैसे ही ये इस व्यक्ति द्वारा इस मामले में शिकायत की गई तो उसके बाद से जो पुलिस है इस कंप्लेंट को जो है इस शिकायत को हल्के में नहीं ले रही, और लगातार पुलिस ने जो है कल से ही अपनी टीम क्या टीमें बनाकर व्यक्ति को ढूंढा और हिरासत में लिया और बड़ी तेजी से जो है जुलाना पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक है विजेंद्र, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके नाल धमकी दी गई है, पुलिस बिल्कुल भी इसनू हल्के दे विच नहीं ले रही और पुलिस के वालों की शख्स नू हिरासत दे विच भी ले लिया गया, फिलहाल उस तो पूछगिछ की जा रही। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सोमवीर राठी उस पर लिखा हुआ था कि सोमवीर राठी हल्का जुलाना ग्रुप लिखा हुआ था जी, उस ग्रुप में कोई टिप्पणी की थी जो कि काफ़ी संगीन मामला था, जिसमें जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया उसमें पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करके जो व्यक्ति है देवरड़ गाँव का अजमेर नाम से व्यक्ति है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं उनको फाइल पे ले जा चुका है। सर सोमवीर राठी से कोई संबंध था सर उसका? जी मैं अभी उस चीज़ के बहुत ज़्यादा कहने में सक्षम नहीं रहूँगा, फिलहाल तो ये है कि उसने उस ग्रुप में कमेंट किया था और कमेंट करने के बाद जो ये सारा मामला जब पुलिस के नॉलेज में आया तो वी हैव टेकन नोट ऑफ दैट और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया।